नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि डेयरी का ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रहा है, आप सभी को पता है, और हमने स्टार्ट किया है पशु रोग। आपका विवेक सर के द्वारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट कवर करवाया जा रहा है, जो कि हरा चारा है। पिछले दिनों आपने लास्ट जो भी लेक्चर था न्यूट्रिशन का, उसमें आपने शायद एज निकालना सीखे थे, बट आज हम फिर से लेकर आए हैं आपको डिजीज़ के लिए कि पशु रोग कौन कौन से हैं, क्या उनका इलाज है, कैसे ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लेक्चर पशु रोग का हो भी गया है, हमने बैक्टीरियल रोग को शुरू किया था। जो लोग आप यहाँ बैठे हैं, पिछले दिन आप नहीं थे, तो आप जान लीजिए कि पिछले वाला वीडियो से आप देख लेंगे कि पिछले दिन हमने बैक्टीरियल डिजीज़ को शुरू किया था और उनको याद करने का एक बहुत ही अच्छा राममान ट्रिक बताया था आपको, एक अच्छा सा ट्रिक दिया था। वो ट्रिक का नाम था कि अब हिम्मत बहुत, आपको याद होगा उस ट्रिक का नाम था अब हिम्मत बहुत। अब हिम्मत बहुत से ही सारे बैक्टीरियल डिजीज़ को, सारे जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। तो उस ट्रिक का क्या नाम है, अब हिम्मत बहुत। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिन शायद हमने दो ही बता के आपको क्लास को ओवर कर दिया था। तो जो भी जीवाणु जनित रोग है उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि जो जीवाणु जनित रोग है उसको पूरे ख़त्म कर दें हम। हाँ, फैन चला दे। ठीक है भाई, वो फैन चला देते हैं, उधर वाली स्पीड हो गई। हाँ, बहुत लोगों का, एक लोग कमेंट किए थे कि सर लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बोर्ड पे लाइट आता है, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि रात को भी या जब भी, तो हम देख लेते हैं उसको। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको, हाँ जीवाणु जनित है, जीवाणु जनित रोग को स्टार्ट करते हैं। जो जीवाणु जनित रोग है उसमें दो हमने किया है पहले, एक किया है एंथ्रैक्स और दूसरा किया है बीक्यू। बीक्यू मतलब क्या था, ब्लैक क्वार्टर गंगरा बुखार। आप देख लीजिएगा जाके, नहीं आए तो देख लीजिएगा या फिर हमसे समझ लीजिएगा, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा आप। तो आते हैं अभी गलघोटू। गलघोटू का बोलते हैं HS। यहाँ पे जो हिम्मत में H आया है, यही तो है हमारा HS। पिछले दिन हम A और B किए हैं, A मतलब एंथ्रेक्स, B मतलब BQ जो ब्लैक क्वार्टर है। तो यही तो है हमारा HS। HS क्या है, HS को कैसे जानते हैं, बाकी कौन कौन सा लोकल नाम है, गांव में जाएंगे या फिर आप जब ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, आप पेशेंट के पास जाएंगे, तो आपको कौन कौन सा नया नया नाम सुनने को मिल सकता है, क्या क्या लोकल नाम है, ये हम आपको बता दें। तो इसको हम लोग उप नाम से जानते हैं, कौन कौन सा, गलघोटू को गलघोटू को नाम से ही जानते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं कि सीपिंग फीवर है। कौन सी फीवर, सीपिंग फीवर इसको बोलते हैं। एस्ट्रोफाइला डिजीज भी बोलते हैं, और HS है तो HS बोलते ही हैं, ये सारे ETC ये या इत्यादि, ये सारे इनके नाम हैं। गलघोटू सीपिंग फीवर क्यों बोलते हैं भाई, सीपिंग फीवर इसलिए बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजन हो, हाँ जैसे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, इत्यादि चीज़ों पे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उस दौरान आप जब अपने ऑर्डर को प्लेस्ड कर देते हैं, तो एक आपको नोटिफिकेशन दिखता है उसमें शिपिंग का, जब वहाँ से आपको स्टेटमेंट दिखेगा उसमें शिपिंग का देता है कि शिपिंग का क्या मतलब, जी पैकेजिंग के लिए रेडी होने जा रहा है या पैकेजिंग हो गया है, फिर आपको नियर बाई पहुँचा दिया जाएगा, इस तरह का। सेम है कि इसमें शिपिंग फीवर होता है। शिपिंग फीवर का मतलब पहले आपको सिम्टम दिखने लग जाएगा कि हाई फीवर हमारे बॉडी में आने वाला है या फीवर हो गया है, इस तरह का सिम्टम दिखेगा, इसीलिए हम इसको गलघोटू शिपिंग फीवर या टाइकोकाइया डिजीज या फिर HS के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कि कारक कौन कौन से है भाई, आप बोलेंगे कि कौन सा कारक हो सकता है इस डिजीज के लिए। पिछले हर एक बीमारी में हमने कारक को बताते आ रहे हैं और बताते रहेंगे भी, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मे भी हो सकता है कि आपका जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा आपको, तो पूछ दिया जाएगा कि भाई HS बीमारी के अंदर कौन से मुख्य कारक है, एक कारक का नाम ये रहेगा और बाकी चार तीन जो ऑप्शन होंगे वो आपको कोई और कारक के दे देंगे, इसका कारक दे देंगे, उसका कारक दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन रहेगा HS में कौन सा होता है। तो आप जब भी HS के कारक देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा
मलेशिया पे ही टिक लगाएंगे, पैस्चुरेला मलेशिया पे ही टिक करेंगे, क्योंकि यही आपका कारक है। तो आप कंपटीशन के पर्पज़ से भी इसको पढ़ सकते हैं और इसको आप माइंड कर सकते हैं। मे बी आपका जो होने वाली एग्ज़ाम है उसमें भी इन चीज़ों को पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ एकदम आसान है, आप ट्रिक के जरिए याद कर लीजिए। अब हिम्मत बहुत है बताएं ना, विषाणु में विषाणु रोग भी जब शुरू करेंगे उसमें भी आपको ट्रिक बताएंगे कि याद करने का, कैसे आप उसको याद करके पढ़ सकते हैं। जब आएगा तो बताते हैं, इसके बाद जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा आपका, हम विषाणु पे ही आते हैं, विषाणु रोग पे आएंगे। तो पैस्टुरेला मलेशिया इसका कारक है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये डिजीज आपको मवेशी में, गाय भैंस भेड़ बकरी सब में दिखेगा, सबका कॉमन बीमारी है, सबका कॉमन सिम्टम है, सबके कॉमन लक्षण है, सब में एक ही लक्षण दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया बकरी में कुछ और दिख रहा है, गाय में कुछ और है, भैंस में कुछ और, नहीं, सब में आपको सेम दिखेगा। तो क्या गाय में जब ये होगा गलघोंटू HS नामक बीमारी, तो गाय का कौन सा कारण हो सकता है होने का? तो पैस्चुरेला बेबी सेप्टिका, पैस्चुरेला बेबी सेप्टिका को ध्यान रखिए आप, ये आपके गाय के लिए है, गाय के लिए है। दूसरे नंबर है भैंस, भैंस में होगा तो भैंस में होने के कौन से कारण होंगे? भैंस में होने का कौन से कारण होंगे? भैंस में होने का होगा पैस्चुरेला बुबेलस सेप्टिक, पैस्चुरेला बुबेलस सेप्टिक, माइंड कीजिए। अभी मत लिखिए, हम आपको टाइम देंगे 2-4 मिनट का, आप उस समय लिखिएगा या फिर पूरे आपके यहाँ है आप लिख के जाइएगा जब भी, अभी मत लिखिए, रुक जाइए। तीसरा है भेड़ बकरी, भेड़ बकरी में होने का क्या क्या कारण है? तो भेड़ बकरी में होने का पैस्चुरेला ओबिस, पैस्चुरेला ओबिस के वजह से भेड़ बकरी में हो सकता है। इनके लक्षण है कुछ, कौन से लक्षण हो सकते हैं कि गले में भारी सूजन हो जाना, हाँ गले में भारी सूजन हो जाएगा, सांस के समय घुर घुर की आवाज़ आएगी, घुर घुराहट का आवाज़ आएगा, सांस जब लेंगे मवेशी तो उस समय घुर घुराहट की आवाज़ आपको सुनाई देगा। जैसे गांव में पुराने लोग जो थे, दादी माँ लोग या उससे पुराने लोग थे, तो वो एक सिगरेट टाइप का हुंका पिया करती थी, जिसमें क्या होता था, कोयला का जो वेस्ट वाले पार्ट होता है उसको डाल करके, हाँ भाई पढ़ ले, तो उसको आप, हाँ सांस लेने के समय उनको घुरघुराहट की आवाज़ आएगा, सेम एज इट इज़ जैसे पुराने लोग उसको पिया करते थे, धुआं आता था जब उसको घींचते थे तो उसमें घुरघुराहट की आवाज़ आती थी, सेम एज इट इज़ वो आएगा। तेज बुखार होगा, हमने आपको बोला कि तेज बुखार होता है, स्लीपिंग फीवर है, तो तेज़ बुखार होगा, कितना होगा, तो 104 से 106 डिग्री तक आपको बुखार जाएगा, बहुत ज़्यादा कंपन होगा। जब बुखार आएगा भैया, जब बुखार आएगा तो कांपेगा ही आपका मवेशी, नहीं है कि नहीं कांपेगा, कांपेगा, कंपन होगा। 48 से 72 घंटे में उनकी मौत हो जाएगी। अगर ये डिजीज शुरू हो गया है, आपने इनको रोकथाम नहीं किया, आपने इनका टीका नहीं लगाया है, या फिर आपने इनका इलाज प्रॉपर नहीं करवा पाया, तो क्या 48 से 72 घंटे में इनकी मौत हो जानी है। जब मौत हो जाएगा, जब मवेशी मर जाएगा आपका, तो उस दौरान भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन से कारण से मरा है, कौन बीमारी था, क्या लक्षण था, क्यों मवेशी मर गया है, तो उसको भी पहचानने के लिए क्या, हाँ उसको भी पहचानने के लिए एक है कि जब मवेशी मर जाता है, अगर उसका मुंह खुला हुआ है या जीभ बाहर आया है, तो आप यहाँ से भी अपने माइंड में घुसा सकते हैं, अपने समझ सकते हैं कि भाई गलघोंटू नामक बीमारी था, HS बीमारी था, हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया, उनका इलाज प्रॉपर नहीं किया है, मवेशी को मवेशी की तरह रखे हैं, मवेशी को इंसान नहीं समझे थे, इसीलिए उन्होंने मौत हो गया है, उसका मुंह खुला है, जीभ बाहर है, तो आप समझ लीजिए कि HS नामक बीमारी से आपका मवेशी मरा है। अब भैया आपने इलाज कैसे करनी है, कौन कौन सा दवा के जरिए आप इसका इलाज कर सकते हैं, तो दवा का नाम याद रखने के लिए ऐसे रखिए PSDO, कौन सा डीओ, PSDO, डीओ बहुत है लेकिन कौन सा डीओ, PSDO, प्रीडाइमेंस्टोगेन, एस से सल्फाडाइमाइन, डी से डेक्सोना, ओ से ऑक्सीटेट्रासाइलिन,
इन सारे मेडिसिन्स का आप यूज करके, इन सारे दवाइयों का आप यूज करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। या फिर इसका टीका भी आता है, टीका के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर इसका टीका जानना है अभी तो आप बकरी वाला जो क्लास हुआ था, बकरी वाले क्लास के अंदर टीकाकरण का वीडियो खोलिएगा, प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पर इनका टीका भी आपको दिखेगा। 6 माह के ऊपर के उम्र में जो मवेशी होंगे उन्हीं को आप इनका टीका लगाइएगा। ये हो गया गलघोटू, ठीक है। चौथा आते हैं मस्टैटिस। मस्टैटिस बोले तो थनैला, जिसको आप बोल रहे हैं और सब दिन आप लोग पूछते हैं कि सर थनैला थनैला, भैया थनैले बीमारी नहीं है, थनैला के अलावा भी दुनिया है और थनैला के अलावा भी बहुत सारा बीमारी होता है ना। तो मस्टैटिस होने का कारण कौन कौन सा हो सकता है? एस्ट्रोटोकोकस। एस्ट्रोटोकोकस क्या है? जीवाणु है, जीवाणु जनित बीमारी पड़ रहे हैं। तो एस्ट्रोटोकोकस एक बैक्टीरिया है, हमने बैक्टीरियल डिजीज शुरू किया है और यही बैक्टीरिया का फैक्टर है, इसका यही इसका घटक है, मुख्य घटक है होने का, इस बीमारी को होने का। इस बीमारी का लक्षण क्या है, कैसे पहचानिएगा आप इस बीमारी को? तो इस बीमारी को पहचानने के लिए आपको सीधा है कि आप जानते हैं कि थन का बीमारी है, थन में होता है, थन में क्या होता है, थन में कैसा कैसा चीज़ होता है, थन में कौन कौन सा चीज़ होता है, तो उसको देख लीजिए। थन में आपका सूजन हो जाता है मवेशी का ही, मवेशी के थन में, भाई मवेशी के थन में सूजन हो जाता है। थन बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, आप जब फील करेंगे मिल्किंग के पर्पज से तो उस समय आपको अगर ऐसा दिखता है कि कठोर हो गया है या थन सूजन हो गया है तो आप अनुमान लगाइए कि कहीं ना कहीं मस्टैटिस है, आप उसको चेक करवाइए, रिकवर करवाइए। तो कठोर हो जाएगा थन आपका, क्या है, गर्म हो जाता है, थन में गांठ हो जाती है, गांठ मतलब कठोर है तो गांठ हो गया है। दूध कम आना शुरू हो जाएगा, दूध कम आएगा या फिर दूध में खून भी आ सकता है, दूध तो ऐसे ही कम हो जाएगा लेकिन मे भी आप जबरन उसको दूध निकाल रहे हैं तो आपके थन से, मतलब मवेशी के थन से सॉरी, तो उस समय आपका खून देखने को मिल सकता है। दूध बंद हो जाएगा, दूध का जब पीएच, अगर जो भी मवेशी आपका मस्टैटिस थनैला नामक बीमारी से ग्रसित है उस मवेशी का अगर दूध का आप पीएच चेक करेंगे तो वो आपको बेसिक पीएच दिखाएगा, क्षारीय पीएच होगा, अम्ल नहीं होगा, उसका पीएच क्षारीय होगा। बेस्ट आइडिया है, नहीं समझ में आता है थन को देख करके, आप उनके दूध को निकालो, उनके दूध का पीएच चेक करो, दूध के पीएच को चेक करें, क्षारीय है, समझ लीजिए मस्टैटिस है, मस्टैटिस का आप इलाज करवाइए। इनका इलाज करवाइएगा, इनके इलाज के दौरान क्या क्या चाहिए, कौन सा यंत्र मंत्र चाहिए उसको देख लीजिए। इसका यंत्र चाहिए MATAM, मार्टम, इसके जरिए आप इसको याद रखिए। M for Mellonex, A से Ampicillin, टाइसिन का यूज पहले भी किए हैं, कहाँ, एंथ्रेक्स में, सही, एंथ्रेक्स के अंदर। A for Avil, M से एक मस्टैटिस ट्यूब आता है, मस्टैटिस ट्यूब के जरिए भी हम इनके थान को, सूजन है, कठोर है तो उनको सही कर सकते हैं, या उनके अंदर जो दूध क्यों होता है, क्योंकि दूध जम जाती है ना, आप रख रखाव अच्छा नहीं करते हैं, काउमेट का यूज नहीं करते हैं तो दूध जम जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, इस ट्यूब के जरिए उस चीज़ों को जो वेस्ट पार्ट हो गया है उनके थन में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जब बाहर निकाल दिया जाएगा तो मवेशी रिलैक्स फील करता है, मे बी उसका रिकवर हो सकता है, उस डिजीज को आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये है मस्टैटिस। उसके बाद है, लिखना नहीं है अभी, रुक जाइए, लिख लीजिएगा आप, समझ लीजिए पहले। उसके बाद है टेटनस। क्या है टेटनस? हमने पहले भी बोला है और बार बार बोलते हैं कि जितनी भी बीमारी हम इंसान को होता है वो सारा बीमारी हमारे मवेशी में आता है, तो आप मवेशी को भी इंसान से कम महत्व ना दें। टेटनस सिंपल है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा आपको। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कैलोस्ट्रियम टीटनी, जो लोग
ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर उनको नोट्स चाहिए, आप नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसे तो आप वीडियो चल रहा है, रोक के स्क्रीनशॉट लेके उनको लिख लो, जब भी हम साइड हो रहे हैं उनको आप लिख लो। अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है, आपको नोट्स चाहिए, आप कमेंट करें, या नंबर चल रहे हैं स्क्रीन में नंबर है या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सअप करें, कॉल करें, आप हमको बताएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स देंगे हम, ठीक है। लक्षण, इनके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं इन बीमारी के, तो काठ के घोड़े जैसा ये दिखेगा। पहला चीज, काठ का घोड़ा नहीं होता कि एकदम ऐसे है तो ऐसे ही, ऐसे है ऐसे ही, मतलब पूरा न हिले न डोले, एकदम फिक्स, तो काठ के घोड़े समान ये दिखेगा आपको। क्या होगा? काठ के घोड़े जैसे दिखेगा, ठीक है। कान खड़ा रहेगा, कान इसका हमेशा खड़ा रहेगा टेटनस के दौरान। जबड़े की मांसपेशियाँ में क्या हो जाएगा? जकड़न हो जाएगा या सूजन हो जाएगा। जबड़े में जो मांसपेशियाँ है, जो मसूर वाला पार्ट होता है ना हम लोग का, उसमें सूजन आ जाएगा या जकड़ जाएगा, वो खा नहीं पाएगा, चिल्लाएगा। श्वसन तंत्र या मांसपेशियाँ में लकवा हो जाता है। लकवा समझते हैं ना, हवा लग जाता है ना हम लोग को भी, अभी ठंडी आना शुरू हुआ है, ये प्रकोप आता है ना। तो श्वसन तंत्र या मांसपेशियों में इनका लकवा हो जाता है इसके दौरान। शरीर में अकड़न जैसी रहती है, तो इन सारे लक्षण से आप समझ सकते हैं, इन सारे लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि टेटनस है। जब आप फील्ड विजिट करिएगा, जब आप फील्ड में जाइएगा, तो ये सारा तामझाम उस दिन आपको याद आएगा कि ऐसे ऐसे होता है, तो ये बीमारी का लक्षण दिखता है ना। उसके बाद है कि टीका लगा सकते हैं, इसका टीका क्या है, तो टॉक्साइड टीटी है, टॉक्साइड टीटी नामक टीका आता है, बाज़ार में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से परचेज करके टीका को लगाइए। उपचार कैसे कर सकते हैं भाई? तो इसका उपचार करने के लिए सीधा है कि एंटी टेटनस सेरम आता है, उसका यूज करें, एंटी टेटनस सेरम का यूज करके आप इसका उपचार कर सकते हैं। तो लगभग हमारा क्या है कि बैक्टीरियल डिजीज पाँच हमने पढ़ा, पाँच, अब हिम्मत बहुत, दो, चार, चार दो छः सात आठ, आठ बैक्टीरियल डिजीज होना था, जिसमें एक बचा है टेटनस पढ़ा दिए हैं, हाँ मस्टेटिस पढ़ा दिए हैं, एक बचा है टीबी, एक बचा है आपका बैक्टीरियल डिजीज में जो जीवाणु से होता है उसमें हमको बताना है टीबी, और बी, एक बी बचा है, बी, बी से ब्रुसेलियस है ना, ब्रुसेलोगिस बचा है और एक टीबी बचा है, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा डिजीज के ऊपर, नहीं कल आपका ये रहेगा विवेक सर वाला क्लास होगा, आप आएंगे, हाँ न्यूट्रिशन वाला पार्ट अभी बचा हुआ है वो होगा, न्यूट्रिशन वाला पार्ट, फिर आपको हम बताएंगे इन दोनों डिजीज को नेक्स्ट क्लास में, जो कि टीबी रहेगा, ब्रुसेलोगिस रहेगा, उसके बाद हम आएंगे आपको जीवाणु ख़त्म हो जाएगा, अब आएंगे वायरल डिजीज पे, वायरल डिजीज पे कौन सा होगा, कौन कौन उसका ट्रिक होगा ये देख लीजिए। विषाणु जनित रोग जोन सी है उसके ऊपर आएंगे, इसका भी ट्रिक बताएंगे, कैसे बताएंगे, कमिंग सून है, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसको। इसका ट्रिक है हमारा, सिंपल सा ट्रिक है भैया, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक है कि रफ पेपर, कौन सा ट्रिक है, रफ पेपर, ठीक है बस। तो हम कह रहे थे कि विषाणु जनित रोग को भी ट्रिक के जरिए हम जानेंगे, कैसे, R²FPPR, मतलब रफ पेपर हम इसको पढ़ेंगे। रफ पेपर कैसे है भैया, तो एक आर से क्या हो गया, रैबीज, R² मतलब क्या, R into R बोलेंगे ना आप उसको, दो गो आर का गुना है R², दूसरे से क्या बोलेंगे, RP, सब नाम सुने हैं आप, भले आपको याद नहीं है या नहीं पता है, तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि हम आपको बताएंगे। F से FMD, क्या FMD, और PPR तो PPR है ही भैया, PPR तो PPR है ही, अपने आप में हीरो है ये, है ना, अपने आप में एक हीरो है PPR।
तो ये सारा तामझाम हम आपको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। विषाणु जनित रोग मतलब वायरल डिजीज का ट्रिक क्या रहेगा, रफ पेपर को कैसे लिखेंगे, R²F, PPR मतलब PPR एक बीमारी, दू गो आर, R² मतलब पंची, दू गो आर से रेबीज और RP और F से FMD, ठीक है ना। तो ठीक है, ये है आपका क्लास, आप देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो ऑनलाइन भी आप समझ सकते हैं, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा आपको, चाहिएगा हम थोड़ा देख के निकल देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप देख लीजिए इसको, आप जो नोट करना है आप नोट कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। थैंक यू। हाँ हम हैं, आप डाउट हमसे पूछेंगे अभी, इसको कीजिए।